हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्नर चॉइस पे। आज जो वीडियो है आपका यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट जो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा और टॉप 15 क्वेश्चन लिए हैं, जो मतलब पिछले साल का क्वेश्चन में आया था, प्रीवियस ईयर का, उसी में से मैं निकाला हुआ 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब बेल बटन प्रेस करेंगे तो आपको पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और जितना भी मैं वीडियो डालूंगा सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरे सब वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। और एक बात, यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेगा और यहाँ नीचे टाइमर ऑन हो जाएगा, आप वही मतलब टाइम के बीच ही मुझे आंसर देना होगा, नहीं दिए तो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारा चीज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड सेज क्लॉथेस ड्राई फास्टर इन द सन, सी इज शोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। एक बच्चा बोल रहा है कि जब हम धूप में लेके कोई भी क्लॉथेस को रखते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, यहाँ पे बच्चे का कौन सा अंडरस्टैंडिंग को वो समझाता है ये हमको देखना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है सिम्बोलिटिक थॉट, दूसरा जो है वो है हमारा इगोसेंट्रिक थिंकिंग, नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट और चौथा है रिवर्सेबल थिंकिंग। तो यहाँ पे हमारा चार ऑप्शन है जो सिंबोलिक थॉट के बारे में बता रहा है, या आपका इगोसेंट्रिक थिंकिंग के बारे में बता रहा है, या कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बता रहा है, या रिवर्सिबल थिंकिंग के बारे में बता रहा है। इसका आंसर आपको देना है और टाइम शुरू हुआ है अभी से। टाइम खत्म हो गया है, अब चलते हैं हमारा आंसर के तरफ। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे हमको समझना होगा कॉज एंड इफेक्ट क्या है। उसको पता है जब भी क्लॉथेस धूप में लेते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर के मतलब तहत वो बहुत जल्द सूख जाता है, तो ये बच्चों को पता होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो होगा कॉज एंड इफेक्ट। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट दान इन डैश। यहाँ पे दिया हुआ कि जो हमारे एजुकेशनलिस्ट जो पियाजे हैं, पियाजे के बारे में बताया गया है, वो चिल्ड्रंस के बारे में जो थिंकिंग करते हैं वो डिफर करता है एडल्ट से कौन कौन सा चीज में। यहाँ पे दो डैश दिया हुआ है, यहाँ से आपको आंसर देखना होगा। पहला जो दिया हुआ है वो है अमाउंट एंड काइंड, दूसरा है साइज और करेक्टनेस, तीसरा है काइंड एंड अमाउंट, एंड नेक्स्ट है साइज एंड टाइप। यहीं से आपको चूज करना होगा। टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। टाइम खत्म हो चुका है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काइंड। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंडनेस फ्रॉम एडल्ट दान इन अमाउंट। जो हमारा यहाँ पे काइंड है, काइंडनेस का जो क्वांटिटी और अमाउंट है वो डिफर करेगा एक एडल्ट और एक बच्चे के बीच में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बात यहाँ पे बता देता हूं, आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको आंसर लिखना होगा और लास्ट में मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ और वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग दिया हुआ है, स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। पहला जो है गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड कॉजेस एंड आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल जंक्चर। यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग करना होता है, क्लूज देना होता है और क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा है गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल लेक्चर देना होता है। तीसरा है ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विथ एनकरेजिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन देना होता है और एनकरेज करना होता है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर तुम लिख सकते हो। और चौथा है ऑफरिंग बोथ मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल
रिवार्ड्स यहाँ पे उनको दिया जाता है कि हमारा मटेरियल्स मतलब क्या क्या रिवार्ड दिया जाएगा और नॉन मटेरियल्स क्या रिवार्ड दिया जाएगा। तो स्कैफोल्डिंग इसमें से कौन सा है, तो आपका स्टार जो यहाँ के आपका आंसर चूज करेंगे, आपका टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम ऑफ हो गया है, अभी देखते हैं इसका आंसर कौन है। जो 3 नंबर का आंसर है वो है ए। यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स किया जाता है, क्यूज दिया जाता है एंड आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन किया जाता है एक क्रिटिकल जंक्शन को लेके। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स की चिल्ड्रेन लॉ, भाइगोट्स की चिल्ड्रेन के बारे में क्या बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स की चिल्ड्रेन लॉ क्या, व्हेन रेनफोर्समेंट इज ऑफर, जब रेनफोर्समेंट किया जाता है, दूसरा है बाय मैचुरेशन, तीसरा है बाय इमिटेशन और चौथा है बाय इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट एंड पियर्स। इसमें से आपको सही आंसर यहाँ पे मतलब ढूंढना होगा। तो टाइम स्टार्ट नाउ, आंसर प्लीज। टाइम खत्म हो गया है, अभी चलते हैं आंसर की तरफ। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है ये सही आंसर है, भाइगोट्स की चिल्ड्रन लोन के बारे में ये बता रहे हैं कि वो बच्चों के भीतर और एडल्ट के भीतर वो इंटरेक्ट करके बहुत सारा मतलब चीज वो सीख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा डी, इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पीट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। खोलबर्ग्स हैज गिवेन, खोलबर्ग्स क्या दिए हैं, वो दिए हैं द स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। आप कभी खोलबर्ग के बारे में पढ़े तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। टाइम खत्म हो गया है, चलते हैं हमारा जो इसका आंसर की तरफ। तो 5 नंबर का जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आपको पता होगा कि खोलबर्ग जो हैं वो हमारा मोरल डेवलपमेंट के बारे में स्टेजेस बताए हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलस्ट्रेटिव ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया गया है, ए क्लास इन व्हिच द टीचर डायरेक्टेड एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज नोट्स, जहां पे टीचर बता रहा है कि नोट्स लिखो और नोट्स को अच्छे से मेमोराइज करो, दूसरा है ए क्लास इन व्हिच द टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स टू द टीचर्स रेफर्स टू, और दूसरा कहा गया है कि टीचर के पास सिर्फ टेक्स्ट बुक ही है और टेक्स्ट बुक ही वो रिसोर्सेस है जो वो यूज कर सकते हैं, और तीसरा है ए क्लास इन व्हिच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग करके बिठा दिए हैं और द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप, और हर ग्रुप को जाके टीचर कुछ बताते हैं, और जो चौथा है ए टीचर इन व्हिच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स गवर्न बाय द रिवार्ड्स बाय पनिशमेंट टू गिव देम। यहाँ पे दिया हुआ है ए टीचर व्हिच द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज गवर्न बाय द रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट द टीचर वुड गिव हिम। तो इसका जो सही आंसर आपको ढूंढना होगा। तो चलते हैं इसका जो सही आंसर आप ढूंढेंगे, टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। टाइम अप, चलते हैं हमारा आंसर की तरफ। 6 का जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए क्लास इन व्हिच स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या करते हैं कि टीचर बहुत सारा बच्चे को क्या करते हैं ना, ग्रुपिंग कर लेते हैं, बहुत सारा ग्रुप में करते हैं, जैसे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा और टीचर हर ग्रुप में जाकर देखते हैं बच्चों का जो भी एक्टिविटी हो रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इंटेलिजेंस इज, यहाँ पे दिया हुआ इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है।
और जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ कैपेबिलिटी। इंटेलिजेंस क्या है? ए सेट ऑफ कैपेबिलिटी। और दिया हुआ नेक्स्ट है सिंगुलर एंड ए जेनेरिक कॉन्सेप्ट, द एबिलिटी टू इमीडिएट अदर्स ए स्पेसिफिक एबिलिटी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ। इंटेलिजेंस क्या है? ए सेट ऑफ कैपेबिलिटी है, या सिंगुलर जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, या द एबिलिटी टू इमीडिएट अदर्स है, या स्पेसिफिक एबिलिटी है। तो यहां से आपको सही आंसर देखना होगा कौन सा है। आपका टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आपका टाइम खत्म हो गया है, अब चलते हैं हमारा जो आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ए। इंटेलिजेंस क्या है? ए सेट ऑफ कैपेबिलिटी है। ए सेट ऑफ कैपेबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब है कोई भी चीज का कैपेबल होना, कैपेबिलिटी होना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ईयरली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ईयरली चाइल्डहुड में कौन सा पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए? ईयरली चाइल्डहुड क्या है? ए नॉट सो सिग्निफिकेंट, इतना जरूरी नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। अन ऑन इम्पोर्टेंट, टोटल इम्पोर्टेंट ही नहीं है। दूसरा है ए सेंसिटिव, और तीसरा है नेचुरल। तो ये इसमें से कौन सा पीरियड जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा ईयरली चाइल्डहुड में, ये आपको देखना होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ, देन चूज द आंसर। तो आपका टाइम यहां पे खत्म हो गया है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। 8 का जो आंसर आएगा वो होगा 8 का सी आंसर, सेंसिटिव। ईयरली चाइल्डहुड में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक सेंसिटिव पीरियड है। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका सेंसिटिव इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ए टीचर रिमार्क्स को एजुकेशन क्लास टू बॉय, बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। दिस रिमार्क, एक टीचर क्या बोलते हैं को एजुकेशन में ए बॉय को बोलते हैं बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। एक मतलब लड़का की तरह हो, लड़की का तरह मतलब तरह नहीं। तो ये क्या रिमार्क करता है? रिफ्लेक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये कास्ट और डिस्क्रिमिनेट मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे दिखाता है। इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ डीलिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है जो बॉयज और गर्ल्स के साथ डीलिंग्स होना चाहिए। रिफ्लेक्ट स्टेरियोटाइपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के बीच वो डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए, भेदभाव दिखाता है उनको उनका बीच में। और चौथा जो है हाईलाइट्स द बायोलॉजिकल सुपेरियरिटी ऑफ द बॉयज ओवर गर्ल्स, और यहाँ पे टीचर दिखाना चाहते हैं कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स ए सुपेरियर हैं, बायोलॉजिकल सुपेरियोरिटी वहां पे दिखा रहे हैं। तो यहां से कौन सा सही आंसर होगा? टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। टाइम ऑफ, देन चलते हैं हमारा आंसर के तरफ। आंसर है 9 का सी, रिफ्लेक्ट्स द स्टेरियोटाइपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो बॉयज और गर्ल्स को वो अलग अलग कर रहे हैं क्लासरूम में, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एक बॉयज की तरह तुम मतलब बिहेव करो, एक गर्ल की तरह नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज ए गुड स्ट्रैटेजी टू लेबल एंड कैटेगराइज चिल्ड्रेन, शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट चिल्ड्रेन, शुड जेनरेट द टेंशन एंड स्ट्रेस टू एंश्योर लर्निंग, इज ए वे टू इम्प्रूव लर्निंग। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। जो पहला ऑप्शन है गुड स्ट्रैटेजी है लेबल और कैटेगरी करने के लिए चिल्ड्रेन को। दूसरा है एक्टिव प्रमोट द कॉम्पिटेटिव एंड स्पिरिट ऑफ द चिल्ड्रेन, उनके मन में कॉम्पिटेटिव लाना है और स्पिरिट लाना है कि पढ़ने के लिए। तीसरा है जनरल टेंशन एंड स्ट्रेस देना है, और चौथा है इम्प्रूव लर्निंग को इम्प्रूव करना है। तो इसमें से आपको सही आंसर चूज करना होगा। आपका टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ।
तो आपका टाइम खत्म हो गया। अभी इसका जो आंसर आ जाएगा 10 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। असेसमेंट एक ऐसा है कि जो हमारा लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बता रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। असेसमेंट इज अ वे ऑफ द लर्निंग और वे टू इम्प्रूव द लर्निंग। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्लूजन। इंक्लूजन को कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो कौन सा अच्छे तरीके से समझाता है। इट इज द बिलीव दैट चिल्ड्रेन नीड टू बी सेग्रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मतलब चिल्ड्रेन को अलग अलग रखना होगा, सेग्रेट करना होगा उनको एबिलिटी को लेके। दूसरा, इट बिलीव दैट सम चिल्ड्रेन कैन नॉट लर्न एट ऑल। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनको पढ़ना ही नहीं आता। तीसरा है, इट इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। यहाँ पे दिया हुआ है जो इंक्लूजन के बारे में बता रहा है वो ऐसा एक फिलोसफी है कि सारा चिल्ड्रेन को अपना अपना राइट इक्वल एजुकेशन में दिया जाएगा, जो कि एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में होगा, जैसे कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। और चौथा है, इट इज द फिलोसफी दैट स्पेशल चिल्ड्रेन आर इन ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये जो चौथा ये बता रहा है कि जो स्पेशल चिल्ड्रेन है वो गॉड का एक स्पेशल गिफ्ट है। तो यहां से आपको आंसर चूज करना होगा और आपका टाइम जो स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। तो आपका टाइम खत्म हो गया है, अब चलते हैं आंसर के तरफ। तो 11 का जो यहाँ पे आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वो सभी चिल्ड्रेन को एक राइट एक साथ देता है और वो इक्वल एजुकेशन और एक रेगुलर क्लासरूम में ही पाए, जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में है। जो भी बच्चे हैं उनको ये फिलोसफी है कि ऑल द चिल्ड्रेन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। फिर चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। टू कैटर टू द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड ए टीचर शुड। यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ ए टीचर क्या होना चाहिए। गिव देम ए लॉट ऑफ रिटन वर्क, उनको लिखने के लिए बहुत सारा चीज देना होगा। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन ए क्लास डिस्कशन, उनका उनको मतलब इन्वॉल्व करना होगा एक क्लास डिस्कशन में। तीसरा है, मेक देम सीट सेपरेटली इन द क्लास, क्लास में उनको सेपरेट सेपरेट बिठाना चाहिए। और चौथा है, इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, और उनको इग्नोर करना चाहिए कि वो कैसे किसी भी स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड का डिसएडवांटेज क्या है आपको चूज करना है। टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। आपका टाइम खत्म हो गया है, अभी चलते हैं आंसर के तरफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन, ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो बच्चे को इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। और दूसरा जो है ऐसे इन्वॉल्व कराएंगे जैसे कि वो मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें, और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर वो क्या अच्छे से सीख पाएंगे। ट्राई आउट टू फाइंड अबाउट द देम इन द क्लासरूम डिस्कशन। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज आइडेंटिफायर ऑफ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे दिया गया है जो बच्चे हैं ऐसा बिहेवियर क्या है जो आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसका लर्निंग डिसेबिलिटी है। पहला है फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, दूसरा है एब्यूसिव बिहेवियर, तीसरा है राइटिंग BHD, वाज एच SAW 100 एंड 21H 12। यहाँ पे क्या होता है कि वो बी को डी की तरह दिख रहा है, WS वाच को वो SAW 100 दिख रहा है और 21 को 12 दिख रहा है। और लो अटेंशन स्पान एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, उसका अटेंशन लो है लेकिन उसका फिजिकल एक्टिविटी वो हाई है, इससे आपको चूज करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। तो अभी आपका टाइम खत्म हो गया, चलते हैं अब आंसर के तरफ। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लर्निंग डिसेबिलिटी हमको ऐसे पता होगा कि वो जब भी मतलब बी दिखता होगा उसको उल्टा डी दिखता होगा, वो जहां पे वाज लिखा है वो पढ़ेगा सौ, और वहां पे सपोज 21 लिखा है तो आपको
देखिएगा 12, जैसे बच्चों को बी और जो दूसरा लेटर है डी, ये दोनों में बहुत तकलीफ होता है, ये दोनों में वो हमेशा उलझ जाते हैं, तो वैसे जो बच्चे के साथ होता है वो उसका लर्निंग डिजेबिलिटी है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग बी एच डी एन डब्ल्यू एस एच एस ए डब्ल्यू एन 21H12, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए चाइल्ड हु कैन सी पार्टियली, एक बच्चा है जो आधा आधा दिख रहा है, तो उसका क्या होगा यहाँ पे। शुड बी पुट इन ए रेगुलर स्कूल विथ नो स्पेशल प्रोविजन, उसको इस रेगुलर स्कूल में मतलब भर्ती करवाना चाहिए जहां पे कि स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा। दूसरा है शुड नॉट बी गिवेन एजुकेशन सिंस इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू हिम, उसको मतलब पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तीसरा है नीड्स टू पुट इन ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, उसको एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहिए। चौथा है शुड बी पुट इन ए रेगुलर स्कूल, उसको रेगुलर स्कूल में ही डालना चाहिए और मतलब उसको स्पेशल प्रोविजन भी देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे चूज कीजिए आपका सही आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आपका टाइम खत्म हो गया है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उसको एक रेगुलर स्कूल में ही हम एडमिशन करवाएं, लेकिन वो तो अच्छे से तरीके से नहीं मतलब देख सकता है, इसीलिए उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी रखें। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। लर्निंग, लर्निंग क्या है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द लर्नर्स इमोशन, ये लर्नर्स के इमोशन को अफेक्ट नहीं करता। दूसरा हैज वेरी लिटिल कनेक्शन विथ इमोशंस, इसका इमोशन के साथ बहुत लिटिल कनेक्शन होता है। तीसरा है एन इंडिपेंडेंट ऑफ द लर्नर्स इमोशन, लर्नर्स इमोशन से ये इंडिपेंडेंट है। और चौथा है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लर्नर इमोशन, ये लर्नर का इमोशन इसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, देन चूज द आंसर इन कमेंट। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है और चलते हैं इसका आंसर के तरफ। इसका जो आंसर होगा 15 का वो चौथा है, लर्निंग को आप लर्नर के इमोशन से कभी भी अलग नहीं कर सकते, और लर्निंग जो लर्नर्स का इमोशन है वो लर्निंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था हमारा जो 15 क्वेश्चन आज जो चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट देने के लिए मत भूलिएगा, जरूर कमेंट देना आपका स्कोर कितना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। थैंक यू।